नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। एक माह के शिशु ने जीती कोरोना की जंग, दिया दुनिया को बड़ा संदेश, कोई भी जंग बड़ी नहीं। दिल्ली के एक अस्पताल से जब एक माह का यह शिशु ठीक होकर विदा हो रहा था, तब सभी के चेहरे काफी मायूस थे। डॉक्टर्स भावुक थे, परंतु सभी खुश थे, क्योंकि इस नन्ही सी जान ने आज दुनिया को हैरान और परेशान कर देने वाली महामारी से जंग जीत ली थी। कोरोना से जंग जीत लेना छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन इस छोटे से बच्चे, जो दुनिया को ठीक से जानता भी नहीं, उसने दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है कि कोई भी महामारी सिर्फ हमारे मन की बीमारी है, उससे जूझना, लड़ना और जीतना बहुत मुश्किल नहीं है। ये बच्चा दिल्ली के मूलचंद अस्पताल में भर्ती था और शुक्रवार को इसे स्वस्थ घोषित करने के बाद छुट्टी दी गई थी। ये शिशु पिछले सप्ताह भी अस्पताल में भर्ती था। ये शिशु दो दिनों से काफ़ी चिड़चिड़ाने लगा था, इसने दूध का सेवन भी कम कर दिया था। जांच करने पर बच्चे को बुखार था, दाहिना कान बहने के साथ उसमें जलन हो रही थी। रैपिड एंटीजन जांच में बच्चा पॉजिटिव निकला, इससे बच्चे को NICU में भर्ती किया गया। 4 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद वो ठीक हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल में बीते करीब 15 दिनों में रोजाना ऐसे लक्षणों वाले 2-3 बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि उनमें हल्के लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें होम आइसोलेशन में इलाज की एक सलाह देते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि बच्चे भी अब कोरोना संक्रमित होने लगे हैं। इसकी संभावना पहले भी जताई जा चुकी है, लेकिन बच्चों के जिस तेजी से संक्रमित होने का जिक्र किया गया था, शायद वह दौर आना भी शेष है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।